हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्रिस्टल की जेन्यूननेस और क्रिस्टल्स की एनर्जीज कैसे पहचाने ये बताया था। आज हम क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमने एनर्जीज के बारे में बात की थी, क्रिस्टल्स के अंदर की नेचुरल एनर्जीज के बारे में बात की थी और हमारी अंदर की पॉजिटिव एनर्जीज की भी बात की थी। आज हम पहले हमारी एनर्जीज को जानेंगे। हमारे अंदर की एनर्जीज को हम दो भाग में कर देते हैं, एक जिसे मैं पॉजिटिव एनर्जीज कहती हूँ, दूसरी जिसे मैं नेगेटिव एनर्जीज कहती हूँ। हर वो एनर्जी जो आपको लाइफ में डाउन करती है, जैसे कि शरीर के किसी भी तरह का रोग, तकलीफ, मेंटल स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, या लाइफ में कोई भी तरह की रुकावट जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, उसको मैं दो ही शब्द में एक्सप्लेन करती हूँ, नेगेटिव एनर्जीज। ऊपर वाले ने बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से एनर्जीज को बैलेंस किया है और ये बैलेंस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम भी लाइफ के अंदर कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो जब हम दूध को गर्म करते हैं और दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम उस दूध वाले ग्लास को पानी के पतीले में रख देते हैं और हमारे दूसरे काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में जब हम वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। बहुत ही नेचुरल वे में दूध ने पानी की ठंडक को एब्जॉर्ब कर लिया और जो पानी है उसने दूध के गर्माहट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी प्रकार से जब हम क्रिस्टल्स को हमारे पास रखते हैं तो हम क्रिस्टल्स की पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक नेचुरल बैलेंस जब आ जाता है तो वो टाइम पर ना तो क्रिस्टल्स हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ना हम उनके और पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे ये जब ये पॉजिटिव एनर्जी भरने लगती है तो हमारे अंदर शांति और संयम बनने लगता है और हमारे जो अधूरे काम हैं वो भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये नेगेटिव एनर्जीज जो क्रिस्टल में भर गई है उसे कैसे हम क्लीन करें और दोबारा से उसे रिचार्ज करें जिसे हम हमारे लाइफ के अंदर उसे वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आगे और कोई जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिए और अगर हमारे वीडियोज़ देखना पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।